हेलो एंड वेलकम टू ड्रीम डायरीज एंड दिस इज द नेक्स्ट व्लॉग एंड आज का जो व्लॉग होने वाला है हमारा दैट इज समथिंग रिगार्डिंग टू मीठा बट टू से फॉर मीठा ये मत समझ लेना वी आर गोइंग फॉर रसगुल्ला और संदेश आई लाइक टू कोट यू विद वन थिंग जितना जरूरी जिंदगी में मिठास उतना ही जरूरी है अभी इस देश में विकास आई नो कंट्रोवर्शियल बातचीत हो जा रही है बट आज का जो हमारा व्लॉग है वो है एक्चुअली फलूदा कुल्फी एंड मिल्क शेक्स एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई लाइक टू रिक्वेस्ट एवरी वन ये पहला रिक्वेस्ट है मेरा जितना भी व्लॉग किया हम लोगों ने दैट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल वी रियली नीड योर लव सपोर्ट एंड हेल्प टू ग्रो स्टार्ट कर रहा हूँ तो आज हम ब्लॉग करने आए हैं दैट इज एक्चुअली नियर अमीनिया चिनार पार्क आप अमीनिया चिनार पार्क का सीधा सर्विस रोड लेके आ सकते हो देन यू विल बी एबल टू सी द न्यू टाउन ढाबा और उसके जस्ट बगल में ये इमरोज फलूदा कुल्फी ये आपका केसर पिस्ता स्पेशल कुल्फी है इसका जो नाम है ये है केसर पिस्ता स्पेशल कुल्फी ग्रीन कलर इसका पिस्ता की वजह से है ना जी हाँ ये क्या है ये सिया सीड्स है क्या सीड्स सिया सीड्स अच्छा सिया सीड्स ये नॉर्मल है और ये वाला जो डल रहा है ये होममेड क्रीम अच्छा ये आप लोग अपना बनाते हैं हाँ ड्राई फ्रूट्स ये जो है क्या है इसमें ये पिस्ता है ये क्या है ये पिस्ता सिरप है सो दिस इज द फर्स्ट आइटम एंड दिस इज केसर पिस्ता कुल्फी फलूदा और इसका प्राइस यहाँ पे 100 रुपीज आई एम शोइंग यू द लुक आफ्टर द फाइनल मेकिंग एंड लेट मी ट्राई दिस एंड टेल यू ऑल कि कैसा बना है इसमें आपको ड्राई फ्रूट्स वी आर हैविंग फलूदा एंड वी हैव पिस्ता कुल्फी विद पिस्ता सिरप आई थिंक इट्स गोना बी अमेजिंग Trust me, boss. This is love. I suggest everyone to come and try this. और अभी जो next बन रहा है हमारा वो है rose kulfi faluda. Let's see the making of this faluda. Boss, this is a disposable plate. ये बहुत अच्छा लगा मेरे को लेकर. इसको खाकर के फेंक सकते हो. इसको use करने का दोबारा जरूरत नहीं है. Plate दिखने में बहुत सुंदर है. काजू है ना और ये वाला था स्ट्रॉबेरी सिरप है ना नहीं ये रोज सिरप है अच्छा ये रोज सिरप है सॉरी हाँ एंड दिस इज ये हमने अपना सेकेंड आइटम ऑर्डर किया और इसका नाम है रोज कुल्फी फलूदा विच कम्स फॉर ओनली 70 रुपीज एंड यू कैन सी द डेकोरेशन ऑफ इट लाइक इट्स रियली लवली अगर कुछ खाना हो तो खाने को सजाने वाला भी बहुत मैटर करता है सो लेट्स ट्राई दिस एंड लेट मी टेल यू ऑल दैट ये कैसा है कुल्फी जो हमारा वो सेम ही है व्हाट वी गेट डिफरेंट ओवर हियर इज द
द फ्लेवर ऑफ रोज. रेस्ट जो लास्ट वाला था और ये वाला इज क्वाइट सिमिलर बट इट्स रियली टेस्टी. यू कैन कम एंड ट्राई दिस. दिस इज ऑल्सो अ यस फ्रॉम माई साइड. अक्सर फलूदा कुल्फी हम जो खाने वाले हैं वो मिल्क शेक ये अच्छी है. जिन वैराइटी के पास बहुत सारा वैराइटीज है. सो देख सकते हो मिल्क शेक बन गया. दिस इज फिल्ड विद मिल्क और अब बाकी वो जैसे बनाते विल शो यू ऑल. आया मजा आएगा. खाना खाना ना 2 मिनट का काम बट खाना बनाना एक्चुअली में 20 से 25 मिनट. जितना मेहनत जितना इंसान इज्जत जितना प्यार से उसको बनाए उतना ही मजा आता है उसको खाने में. क्या डाले भैया? स्ट्रॉबेरी क्रश. अच्छा ये यहाँ पे मालास का स्ट्रॉबेरी क्रश यूज करते हैं. सो ये बहुत अच्छा ही ब्रांड है. उसको मस्त शेक करेंगे. इसमें क्या काजू ड्राई फ्रूट So after kulfi faluda we have moved to milkshake aur is bar humne order kiya hai strawberry milkshake. So you can see ye strawberry milkshake and now let me taste this and batate aap logo kaisa hai ye. पीने के बाद कितना मजा आने वाला है. लेट मी ट्राई दिस. बॉस दिस इज रियली ऑसम. मिल्क बेस में है. बहुत मजा आएगा इसको पी करके. ट्रस्ट मी आई गिव अ 10/10 फॉर दिस फूड. कम एंड ट्राई दिस. उसके बाद ना मेरा नाम जपोगे. मैं तेरा नाम जपूंगा फिर. मिल्कशेक वाले सेक्शन से जा रहे सीधा फ्रूट पे और अब हम जो बनाने वाले अपने लिए वो है ब्लैक करंट फ्रूट. और अब हम जानते हैं बनता कैसे और इसका इंग्रेडिएंट्स क्या खास है. इधर भाई ये जो आप बना रहे हो अभी क्या डालने वाले हो? ये आपका मिल्क शेक बना हुआ है हम लोग का रॉ जिसमें फ्रेश क्रीम खोआ मिल्क ये सब मिल के मिल्क शेक का रॉ बनता है. अच्छा मतलब इसमें फ्रेश क्रीम मिल्क शेक खोआ ये सब आपका होममेड है. यस यस ये आपको एंड दिस इज होममेड. We're not going to get this in the market. और ये अपना मालास का ब्लैक करंट क्रश. अच्छा ये मालास का ब्लैक करंट क्रश चल रहा है इसमें. के लिए ग्लास में ब्लैक करंट क्रश जो स्टार्टिंग में उन्होंने डाला था अब इसके ऊपर क्या डाले भैया? ये आपका वैनिला और ब्लैक करंट आइसक्रीम. अच्छा इसके दोनों को मिक्स करके ही डालते हैं. अच्छा इसके ऊपर अब ये डालने वाले हैं वनीला आइसक्रीम और ब्लैक करंट आइसक्रीम. देखो
और दिखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, जस्ट ट्रस्ट मी, इट्स रियली लुकिंग फैब। ये क्या भैया? ये चॉकलेट स्लैब है। अच्छा, ये चॉकलेट स्लैब है यार, चॉकलेट को काट काट के इसमें डाल दो बस, मतलब कमी नहीं है इंग्रेडिएंट्स की इसमें। ये आपका ब्लैक करंट बोर्ड रेडी हो चुका है। Now, this item of ours, black currant float, is ready. इसका टेस्ट करेंगे हम लोग। तो आफ्टर मिल्कशेक अब हम ट्राई करने वाले फ्लोट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लोज लुक ले लो आप लोग। दिस इज फिल्ड विद चॉकलेट, देन इसमें ड्राई फ्रूट्स है, देन इसमें आइसक्रीम है, और वो मिल्कशेक के ऊपर फ्लोट कर रहा है, जिसकी वजह से इसका नाम फ्लोट है। तो इसको टेस्ट करके बताते हैं कि इस फ्लोट को कितना अच्छा या कितना खराब या कितना मीडियबल बोला जा सकता है। बस मस्त, मन नहीं कर रहा मेरा इसको कि भाई इसको हिलाया जाए। तो दिस इज रियली लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल मैन, बट ये आइसक्रीम पिघल जाएगा। तो लेट मी ट्राई दिस एंड टेल यू ऑल ये कैसा बना है। देखो अब मैं बोलूँगा ये भी अच्छा है, आप बोलोगे लास्ट वाले को भी अच्छा बोला था, तो अच्छे को अच्छा नहीं तो और क्या बोला जाए। ये सच में अच्छा है, देखो सच में अच्छा, आके ट्राई करो, बहुत मज़ा आने वाला है। बस ऊपर का आइसक्रीम खाओ, चॉकलेट खाओ, काजू खाओ, मोटे हो जाओ मस्त। देखने में पतला दुबला हो सकता है भाई, बट आई एम अ ट्रू फूडी, रियल फूडी। बस शेक इज ऑल्सो रियली टेस्टी। आई सजेस्ट ब्लैक करंट आके ट्राई कर सकते हो अगर आप फ्लोट वाले सेक्शन में जा रहे हो तो। फ्लोट वाले सेक्शन में और भी बहुत सारा ऑप्शन है, बट इफ़ यू गो अकॉर्डिंग टू माई विश तो आई सजेस्ट यू ब्लैक करंट फ्लोट, इज रियली ऑसम। तो हम फ्लोट से सीधा जाने वाले आइसक्रीम के ऊपर, नॉर्मल आइसक्रीम बहुत तो खाते हैं, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू ट्राई टुडे संडेज आइसक्रीम, एन आइसक्रीम मिक्स विद फ्रूट्स नट सिरप। तो चलो देखते हैं कैसे बनता है इसका मेकिंग। क्या कौन कौन सा आइसक्रीम डालने वाले भैया इसमें? तीन फ्लेवर का आइसक्रीम डालेंगे। वो मेरा चॉइस भी हो सकता है और वो आप भी डाल सकते हैं, या फिर कोई फिक्स्ड है? नहीं फिक्स कुछ नहीं है, वो आप भी बोल सकते हैं हम भी बोल सकते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? अभी एक मैंगो डालेंगे, एक लॉलेन गुड़ डालेंगे। अच्छा, और एक चॉकलेट डालेंगे। बस लवली, एक मैंगो डालने वाला है, एक लॉलेन गुड़ और एक चॉकलेट। बस वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, एक फ्लोट में तीन वैरायटी, व्हाट एल्स यू नीड मैन। ये हम लोग का मैंगो था, ये चॉकलेट, और ये चॉकलेट है। ये क्या है? ये व्हिपिंग क्रीम है। अच्छा, ये व्हिपिंग क्रीम है। ये क्या है? ये वो है ना, ये पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल लिया, ये फिर से पिस्ता, ये फिर से पिस्ता है। ये क्या? ये आलमंड था। अच्छा, ये आलमंड बहुत इतना हेल्दी और स्वादिष्ट खाना कहाँ मिलेगा? वही टेबल है ना। ये अपना कैरामेल सिरप है, कैरामेल सिरप जो हर्शीज का यूज करते हैं आप लोग। लवली, इसमें थोड़ा रोज सिरप। चलिए फिर दोबारा जा रहा है रोज सिरप। फॉर टेस्टिंग दिस आइटम आई रिक्वेस्ट यू ऑल, कमेंट में हमें बताइए कि आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा, एंड इवन सजेस्ट अस प्लेसेस इन कोलकाता वेयर वी कैन गो एंड ब्लॉग। एंड जो जगह हम लोगों को अच्छा लगेगा तो दैट पर्सन विल बी कमिंग विद अस इन अ नेक्स्ट ब्लॉग। सो लेट मी स्टार्ट द टेस्टिंग ऑफ दिस संडे आइसक्रीम। तो ये पहला वाला जो है, दिस इज नॉलेन गुड़,
बस इट्स रियली लुकिंग यमी, इट्स गुड. यू गेट द टेस्ट ऑफ द सिरप एंड द ड्राई फ्रूट्स, व्हाट एल्स यू नीड, एंड द व्हिपिंग क्रीम. Chocolate is also yum. Now comes Nolen Gold. Now there is swab Bangali, Bangali their favorite. I'm sorry, excuse my Bangali. This is also lovely. Yeah.